कन्या राशि, घर परिवार में कोई पुरानी समस्या का हल आज निकल सकता है। बहुत लंबे अंतराल के बाद परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण आज रह सकता है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी करने वाले लोगों को आज प्रगतिदायक एक से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपके द्वारा पूर्व काल में किए गए कार्यों का आज अच्छा परिणाम आ सकता है। दिन पूरा होने तक व्यवसायिक लक्ष्यांक आप पूरा कर पाएंगे। आपकी सभी योजनाएं आपकी आशा के अनुसार आगे बढ़ेगी। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ हो ऐसी संभावना प्रबल है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ निवेश करें। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आप भाग्यशाली साबित होंगे। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग आज शिक्षा से जुड़े हुए सभी कार्य नियत समय से पहले ही पूरे करके खेल कूद या मनोरंजन के क्षेत्र में भी कुछ समय व्यतीत करे ऐसा संभव है। इस वजह से विद्यार्थी वर्ग के आत्मविश्वास और एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। सह विद्यार्थी वर्ग के साथ कुछ हद तक मनमुटाव हो सकता है। महिला वर्ग के लिए दिन ज्यादातर मुद्दों पर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। नौकरी व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को धन लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगा, उनके कार्यों की सराहना होगी और घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में नजदीकी रिश्तेदारों का सहयोग और मदद मिलेगी, सहयोग और सहकार मिलेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी लगभग सभी मुद्दे पर दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। बुजुर्ग लोगों का स्वास्थ्य आज कुछ हद तक प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन इसके अलावा सभी मुद्दे पर सकारात्मक गतिविधियाँ होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बुजुर्ग व्यक्तियों की रुचि बढ़ सकती है और इस क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा कुछ गतिविधियाँ भी हो सकती है। दिन के अंतिम दौर में आपको कोई आकस्मिक खर्च आ सकता है, इस वजह से आपके कुछ कार्य अधूरे या निलंबित रह सकते हैं। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। बढ़ते हुए खर्च को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा